देखिए दोस्तों, यहाँ रहे हो मछली का। मैंने यहाँ पे पेस्ट बना रही हूँ, पीली वाली सरसों मिर्चा लहसुन है यहाँ पे, जो मछली में डालती हूँ वही वाली है मसाला, और इसको मैं पीस दूंगी। और देखिए मेरा कढ़ाई गरम हो चुका है। आज मैं बनाने वाली हूँ रेवा फिश कड़ी, बनाने वाली हूँ छोटी वाली रेवा है, बहुत टेस्टी लगेगा दोस्तों। और इसको बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है। देखिए मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से इसको साफ कर ली हूँ, साफ करने के बाद अच्छे से धो ली हूँ। धुलने के बाद से देखिए नमक हल्दी मिलाकर इसको हमें फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा बीच में कट लगाई हूँ दो जगह दोस्तों, देख सकते हो इसमें कि तरी अंदर तक जा सके। और रेवा मछली को मैं फ्राई कर रही हूँ, ऐसे हमें फ्राई करना है। अब देख लो ऐसी हम मेरे को फ्राई करनी है अच्छी तरह से। अब देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। और इसका आप जो तरी खाओगे, इतना इसका ग्रेवी खाओगे, इतना मीठा मीठा लगेगा दोस्तों, स्वाद बहुत आता है, और मछली से दुगुना इसमें टेस्ट आती है। और इसका ग्रेवी बहुत टेस्टी लगता है, इसको रोटी चावल के साथ खा सकते हो आप। मैंने देखिए यहाँ पे रेवा फिश को अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर ली हूँ। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें मेथी और लाल मिर्ची डाली हूँ, और मैंने जो पेस्ट बनाई थी मसाले की वो भी इसी में डाल दी हूँ। डालने के बाद से ऐसे चला रही हूँ, नमक और हल्दी डालूंगी। हल्दी डाल दी, नमक टेस्ट के अनुसार से डालूंगी दोस्तों। अच्छी तरह से हमें चलाना है इसको, यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट हमें चलाना है मसाले को अच्छी तरह से। देखिए मसाला फ्राई हो चुका है, मैं ग्रेवी के अनुसार से मैं पानी डाल रही हूँ। आपको जितना ग्रेवी ज़रूरत है उतना पानी डाल सकते हैं। उसके बाद से देखिए आप, इसमें कोई मैं कलर वाली मिर्ची उर्ची नहीं डालूंगी। और यहाँ पे जो रेवा फिश मैंने फ्राई की थी उसको भी इसी में ऐड कर दूंगी दोस्तों। और इसको देखिए सारे मैं एक एक करके डाल रही हूँ, क्योंकि इस टूटे नहीं, मछली को ध्यान से हमें रखना है इसमें कि टूटे नहीं। और मैं इसको अच्छी तरह से, मैं देखिए यहाँ पे ग्रेवी में मैं अच्छी तरह से इसको डिबो रही हूँ, और आप देख सकते हो। और इसको मैं 10 मिनट तक उबालूंगी। देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है, कितना अच्छा कलर लग रहा है, देख के मुँह में से पानी आ रहा है, बहुत टेस्टी है दोस्तों। ये देखिए आप, इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, या चिवड़ा के साथ, कोई चीज़ के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। इसका ग्रेवी बहुत अच्छा लगता है, और इसका जो रेवा फिश है वो भी बहुत अच्छा लगता है टेस्टी, और वो मछली से बहुत अच्छा लगता है दोस्तों।